वाराणसी से बड़ी खबर, पीएम मोदी के नामांकन की तैयारियां तेज। 14 मई को नामांकन करेंगे पीएम मोदी। नॉमिनेशन से पहले काल भैरव के दर्शन करेंगे। कल शाम काशी में भव्य रोड शो भी होगा। तो 14 मई को प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल करेंगे और 13 मई यानी कि कल शाम को वाराणसी में भव्य रोड शो भी होगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। और नॉमिनेशन से पहले प्रधानमंत्री मोदी काल भैरव के दर्शन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से 14 मई को नामांकन करेंगे। बता दें कि यह बेहद खास दिन है और 14 मई को गंगा सप्तमी और पुष्य नक्षत्र का अद्भुत संयोग भी है, जो ज्योतिषा शास्त्र में बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में इस नक्षत्र में नामांकन दाखिल करना उनके लिए श्रेष्ठ बताया जा रहा है। काशी विद्युत परिषद के महामंत्री और विद्वान ग्रहों के चाल और नक्षत्रों के आधार पर ऐसी गणना कर रहे हैं। कोई कार्य प्रारंभ किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। और नक्षत्र की बात करें तो पुष्य नक्षत्र होगा उस दिन, जब इस दिन नामांकन करेंगे नरेंद्र मोदी जी। पुष्य नक्षत्र की प्रशंसा ज्योतिष शास्त्र में भूरी भूरी की गई है, बारंबार की गई है। कहते हैं कि सर्व सिद्ध कर पुक्षा, सभी कार्य को सिद्ध करने वाला पुष्य नक्षत्र होता है। कोई भी कार्य अगर सिद्ध न होता हो और इस नक्षत्र में कर दिया जाए तो अब बहुत ही अच्छे तरीके से सिद्ध हो जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में शामिल होने वाले प्रस्तावकों के नाम पर मंथन चल रहा है। न्यूज स्टेट अपने दर्शकों को पीएम मोदी के 2014 और 2019 के नामांकन की चार तस्वीरें दिखाती हैं। साल 2014 के प्रस्तावकों में महामना मदन मोहन मालवीय के पौत्र गिरिधर मालवीय, शास्त्रीय गायक छन्नूलाल मिश्र, नाविक भद्रा प्रसाद निषाद और बुनकर अशोक कुमार शामिल हुए थे। वहीं 2019 के चुनाव में प्रस्तावकों में साइंटिस्ट रमाशंकर पटेल, अन्नपूर्णा शुक्ला, जगदीश चौधरी और पार्टी के सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में शुमार सुभाष गुप्ता शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और